से भी कितना लंबा जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैसे कि वैसे एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से निकल जाएगा, लेकिन मान लो कि इन्होंने ये नहीं दे रखा होता और कहा होता कि ये एंगल जो इधर बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कहते कि ये, फिर ये बताइए कि ये जो परछाई होगी वो कितने लेंथ की होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या क्या पता है, इस ट्रायंगल का एक एंगल पता है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो हम लोग को इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर पता है, हमको इस एंगल के लिए बेस निकालना है। वो परपेंडिकुलर और बेस किस वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आते हैं, टेन में। टेन थर्टी इक्वल्स टू बी अपॉन बी वन, टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, फाइव अपॉन बी, बी इक्वल्स टू फाइव अपॉन थ्री। मैम सर, तो मतलब मैम उसमें आपके क्वेश्चन की ट्राइंगल की दोनों साइड की एक पोल है, फिर इधर भी वो जा रही है और इधर भी वो जा रही है, और सी के बीच बीच में थीटा इज़